पूर्णिया के बायसी अंतर्गत ताराबाड़ी पंचायत के पंचायत समिति सदस्य शहबाज तथा उसके सहयोगी मुनाजिर की भीड़ ने चाकू गोदकर हत्या कर दी थी, जिसके बाद बायसी पुलिस लगातार छानबीन में जुट गई थी। अब मृतक के परिजनों ने इस मामले में ताराबाड़ी पंचायत के मुखिया एजाज, अंजुम, सरपंच शौकत तथा छोटू हाजी को मुख्य साजिशकर्ता बताते हुए कुल 17 लोगों को नामजद बनाकर प्राथमिकी दर्ज कराई है। बायसी SDPO आदित्य कुमार ने बताया कि इस मामले में 17 नामजद अभियुक्त हैं, जिसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। ताराबाड़ी चारों तरफ से नदी से घिरा इलाका है, जहां जाने के लिए नाव ही एकमात्र सहारा है। इस कारण पुलिस को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्राथमिकी में दर्ज मामले के बारे में मृतक शहबाज की पत्नी ने लिखा है कि 28 जून 2022 की शाम 6 बजे शहबाज और मुनाजिर को साजिश के तहत सैयद और मुदस्सिर पंचायत के बहाने झांसा देकर माली टोली ले गए, जहां पहले से हथियार से लैस करीब 1.5 दर्जन लोग मौजूद थे, जिनके पास तलवार, करदा, लोहे का सिरिया, मछली मारने वाला गुप्ती, धारदार चाकू जैसे कई हथियार थे। माली टोला पहुंचते ही सबने इन दोनों पर हमला बोल दिया। मुखिया एजाज अंजुम ने लोहे के करदे से शहबाज के सर पर पीछे से हमला किया, जबकि शौकत ने तलवार से सर पर मारा। जहांगीर ने लोहे के रॉड से सर पर मारा। इसके अलावा कई सहयोगी ने धारदार चाकू और हथियार से पेट व आंख पर हमला कर दिया। सभी नामजद पर धारदार हथियार से हमला करने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद शहबाज बेहोश होकर खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर गए। इसके बाद भी आरोपी नहीं माने और सबने एक एक कर हमला जारी किया। अपराधियों ने बाल पकड़कर घसीटा और गुप्ती और लोहे के रड से गर्दन व गुप्तांग पर मारने लगे। मुनाजिर को घसीटते हुए दूसरी तरफ ले गए और धारदार हथियार से मारने लगे। मारने के इरादे से इन हमलावरों का हमला जारी रहा। सबने एक साथ उन पर हमला कर दिया। मुनाजिर के सर और छाती पर तलवार से मारने लगे, जिसके बाद खून में लथपथ होकर मुनाजिर भी बेहोश हो गए और जमीन पर गिर गए। इस पूरे कांड के साजिशकर्ता के रूप में मुखिया एजाज, अंजुम, सरपंच शौकत और छोटू हाजी का नाम लेकर त्वरित कार्यवाही करने की मांग की गई है। इन नामजद अभियुक्तियों में मुखिया एजाज, अंजुम, सरपंच शौकत, छोटू हाजी, हसनैन, जहांगीर, सैयद, लालटू, जफर बिजली मिस्त्री, मुदस्सिर, ये सभी ताराबाड़ी गांव के हैं। इसके अलावा सादिक, जकी, अरिफुल, माजिद, नवाब, सफदर, अकील, अंजुम का नाम शामिल है। ये सभी लौटियाबारी गांव के निवासी हैं। इधर मृतक शहबाज पर भी पहले कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं, जिसकी पुष्टि बायसी SDPO आदित्य कुमार ने की है। आप देख रहे हैं SDN न्यूज़, मुद्दे की बात आपके साथ। 265 बाइस केस दर्ज किया गया है। इसमें मृतक के पत्नी द्वारा केस दर्ज किया गया है, जिसमें 17 लोगों को नामजद किया गया है। इसमें 2 व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या की गई है। पुलिस छापेमारी कर रही है। कम्युनिकेशन लाइन उधर बाढ़ के कटाव के कारण उधर सिर्फ नौ से ही जाया जा सकता है, इसलिए 9 से ही छापेमारी की जा रही है। सभी लोगों का नाम है, अभी सभी लोगों को हम दोषी मानकर हम लोग अनुसंधान कर रहे हैं। हाँ, सभी लोगों का नाम है, जिन जिन लोगों का उन्होंने नाम दिया उन सभी के विरुद्ध अनुसंधान कर रहे हैं और छापेमारी की जा रही है। हत्या की वजह उनके द्वारा बताया जा रहा है कि उन्होंने कुछ नाम लिए हैं, जिनके द्वारा बताया जा रहा है कि उनकी हत्या किस तरह से की गई, और इनका कहना है कि साजिश के तहत इनकी हत्या की गई। तो वजह क्या होगा, राजनीतिक वजह है या फिर कुछ रुपये का लेन देन है या और कुछ वजह, आपसी विवाद या प्रेम प्रसंग है, किस तरह? नहीं, प्रेम प्रसंग वगैरह ऐसी कोई बात नहीं, आपसी विवाद बताया जा रहा है। इनके द्वारा बताया जा रहा है कि पूर्व में इनके द्वारा धमकी दी गई और जो भी कहा गया उसके विरुद्ध ये हुआ। जो मृतक हैं पंचायत समिति सदस्य, उनका भी क्रिमिनल कुछ इतिहास है? जी, उनका भी क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स हैं। तो उस दिन भी कुछ इस तरह की घटना हुई थी क्या वहाँ पे? नहीं, इस तरह की कोई घटना अभी प्रकाश में नहीं आई है। अभी तक किसी गिरफ्तारी? छापेमारी की जा रही है, अभी गिरफ्तारी नहीं है।